तो आप एक ना, हाँ हाँ ठीक है, तो क्या हुआ? दिस मे बी अनस्टेबल, वो बात अलग है, बट यह है कि पॉसिबिलिटी तो है ना। और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, सुनो, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि NO2 इस फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट। कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 फॉर्म, दैट इज द रीजन, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ NO2 ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नो डाउन, एंड ऑल द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज नाउ कंप्लीटेड। तो ये था बेसिकली कंडीशन। पहले मैंने आपको पोस्टुलेट्स बताए, फिर क्या बताया? कंडीशंस बताए, और जो मेन स्ट्रक्चर्स हमें बताने थे वो मैंने बता दिया। अब एक दो एग्जांपल को, जो ट्रिक मैंने आपको बोला था ना, वो बता दे रहा हूँ बस। अभी इसके बाद तुरंत मेजोमेरिक बताते हैं फटाफट, है ना, मेजोमेरिक निपटाते हैं, अभी टाइम है। आप तो साथ में चल रहे हो आज मेरे, ना तो हटा दिया करो तुरंत। एक चीज ध्यान रखो बेटा, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो आप डायरेक्ट यूज करोगे, जैसे कि अभी हमने बोला था कि अगर लोन पेयर है, सिंगल है, और क्या है बताओ, प्लस, तो सीधे सीधे आप क्या करना बताओ, एक बॉन्ड बना देना, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पे प्लस। सुन रहे हो? अगर कहीं पर लोन पेयर है और सिंगल डबल है, क्या है बताओ, लोन पेयर और सिंगल डबल है, सुन रहे हो? सुना, तो अगर मैं इसको वन बोल दूँ और इसको टू बोल दूँ, इस एटम को जहाँ पे, और इसको क्या बोल दूँ, थ्री बोल, ठीक। तो इसका जो बनाना, पता है क्या बनाना, जहाँ पर लोन पेयर वो तो प्लस आता ही आता है, और लास्ट वाले में यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, माइनस आ जाएगा। इसको इसको ऐसे ना बता के हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जरा देखना क्या। OH है लोन पेयर है, CH है डबल बॉन्ड, क्या है, CH2 है, बताओ यह रहा कि नहीं, लोन पेयर सिंगल, जहाँ पे लोन पेयर है, देखो 1 2 3 1 2 3, डबल बॉन्ड तो 2 3 से हमेशा 2 1 में ही आता है, डबल बॉन्ड 2 3 से हमेशा कहाँ पे आता है, 2 1। मैंने आपको ट्रिक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्योंकि एक बार बस छोटा सा एक दो एग्जांपल्स के लिए, ट्रिक ये था कि लोन पेयर हो या प्लस हो या माइनस हो, और बताओ, या वैकेंट हो, इन सबको हम कौन सा नंबर असाइन करते हैं, 1। याद आ रहा है? हालांकि मैंने उस दिन आपको नोट नहीं करने दिया था, सुनो आज आप नोट कर सकते हो, इन सबको 1 डिनोट करते हैं, और ये हमेशा 1 से शिफ्ट होके कहाँ पे जाते हैं, 3 पे, ऑड पोजिशन पे, कहाँ पे जाते हैं, ऑड पोजिशन पे। और जो डबल बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको हम पाई बोलेंगे, वो हमेशा 2 3 से 2 1 जाता है, ये ट्रिक है, है ना। इसका एग्जांपल एक मैं पहले आपको दिखा दूँ, जरा देखना बेटा, इसमें रुको थोड़ा सा, इसमें रुको, लेट मी, मैं थोड़ा सा समराइज कर दूँ, देन फिर कहानी कुछ है नहीं, ठीक है, थोड़ा सा समराइज कर दो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, ओके। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा कि ये भाई CH2 प्लस है, ये CH है, और ये डबल बॉन्ड CH2 है, बेटा बताओ किसको नंबर 1 दोगे, जल्दी बोलो यहाँ से। तो यहीं से 1, ये 2 और ये 3। क्या तरीका मैंने बताया था कि स्केलेटन बनाओ तुरंत, तुरंत क्या बनाओ, स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब ऐसे बना लिया, स्केलेटन का मतलब ऐसे बन जाएगा स्केलेटन। अब ये जो 1 है, जहाँ पर ये 1 वाले हैं सब, ये 1 है कहाँ पे चला जाएगा बताओ, 3 पे, डाल दिया यहाँ पे सीधे। अब कोई एरो एरो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे फटाक से काम। तो ये प्लस 1 से 3 में चला गया, और ये 2 3 है, देखो जरा बताओ, 2 3 से 2 1 2 1, खत्म, हो गया। ये रूल है मैक्सिमम जगह पे, बट जहां पे मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना, क्या, अब मान लो ये होता तो ठीक है, नो डाउट, पहले स्केलेटन बनाया इसका, स्केलेटन मतलब बॉन्ड नहीं, ऐसे जस्ट स्केलेटन ओरिजिनल फॉर्मेट इसका बना लिया। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, बस दो चीजें ध्यान रख लो, काम खत्म है। अब ये लोन पेयर सिंगल डबल है, तो लोन पेयर, अब जहां पर लोन पेयर बेटा, वहां पे तो प्लस चार्ज आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखो। अच्छा, डबल बॉन्ड क्या शिफ्ट कर लें, 1 2 3, डबल बॉन्ड तो 2 3 से कहां जाएगा, ये जाएगा ही जाएगा, चला गया, और जहां पर लोन पेयर था वहां पे क्या आएगा, बट यहां पे और क्या आ जाता है, माइनस, यहां पे और क्या आ जाता है,
माइनस, बस इतना ध्यान रखना है आपको, याद रख पाओगे? जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, दे रहा हूँ मैं, दे नहीं रहा हूँ, जरा देखो, हमने कहा कि यहाँ पर OH है और बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके पास लोन पेयर है, बताओ ये वन और ये टू और ये थ्री, क्या बना सकते हो आप इसका स्ट्रक्चर? जरा बताओ, ये पहले तो आप स्केलेटन बनाओ बेटा, समझ लो ध्यान से, पहले तो आप स्केलेटन बनाओ, कोई एरर वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, पहले जिन जो बताया था आपको सीधे सीधे वही बता रहा हूँ, और ध्यान रखो एकदम एकदम से आसान तरीका कोई दुनिया में नहीं हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने का। अब बताओ मुझे ये लोन, अब बताओ मेरा टू थ्री से इसको कहाँ शिफ्ट कर दें? कर दिया शिफ्ट टू वन के बीच, टू थ्री से टू वन, जहाँ पे लोन पेयर है वहाँ पर, और ऑड पोजिशन पर माइनस। इस वाले पर्टिकुलर केस में जो ऑड पोजिशन होगा उस पर कौन सा चार्ज बेटा आ जाएगा? माइनस खत्म, इतना याद रख पाओगे, बाकी आपको पहला वाला याद ही है, पता है। फिर मैंने आपको एक केस और दिया था, याद करो, बैक बॉन्डिंग वाला, क्या था? लोन पेयर सिंगल वैकेंट, याद है? लोन पेयर सिंगल वैकेंट, इसको मैं ऐसे जनरल लिखता हूँ, ए पर लोन पेयर है सिंगल है, और इस बी के पास क्या है? खाली डब्बा। बताओ इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड कर दो, और जो डब्बा है वहाँ पर, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ, ये तो याद कराया था मैंने, तो डब्बे पर कौन सा? माइनस, और जहां पर माइनस था या लोन पेयर था वहां पर प्लस, लोन पेयर सॉरी माइनस नहीं, क्या लोन पेयर, तो जहां पर लोन पेयर वहां पर प्लस। ये तीन चीज़ अलग से याद रख सकते हो, चलो जल्दी से बता दो मुझे, पहला एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा, जल्दी बोलो, एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज आएगा, क्लियर? दूसरा बताना मुझे, लोन पेयर सिंगल डबल है, अगर लोन पेयर सिंगल डबल है तो जहां पर लोन पेयर है वहां पर, और उसके ऑड पोजीशन पर माइनस, डबल बॉन्ड टू थ्री से टू वन ही आएगा, एक डब्बा है और एक लोन पेयर है, तो डब्बे पर और लोन पेयर पर, इतना अलग से याद रख सकते हो, बाकी आप दुनिया का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो चैलेंज के साथ, यू बाय यूजिंग दिस ट्रिक, बाकी सब जगह पे आपको ट्रिक डायरेक्ट यूज करना है, बट स्पेशल केसेस थे जो आपको अलग से याद रखना है। चल खत्म करो इसको, एंड नाउ अब आते हैं मेन पर, ये था रेजोनेंस, all the conditions, all types of formatives. अब एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग फटाफट, और उसके बाद उसके उसी से रिजल्ट आएंगे, और तुरंत मैं जो मेरी इफेक्ट वहीं पे ख़त्म करूँगा तुरंत ट्रिक के साथ, ठीक है? मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, है ना, आप मेरे साथ ही करोगे, लिखते जाओ मेरे साथ स्टार्ट करो। मैंने यहाँ पर लिया बेंजीन ड्रिंक लिया, एकदम पीछे नहीं रहना है, साथ साथ चलना है, सी एच टू प्लस एक, पांच एग्जांपल्स लूंगा, फाइव एग्जांपल्स, आई विल टेक फाइव एग्जांपल्स एंड देन विल कंक्लूड अबाउट द रेजोनेंस एंड अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके? चलो फाइव एग्जाम्पल्स, पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल बेटा ये है, एन डबल बॉन्ड ओ एंड दिस वन, तीसरा एग्जाम्पल ये है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तीसरा एग्जाम्पल ये है, सी एच टू माइनस, चौथा एग्जाम्पल ये है, OH का ही ले लेते हैं, इसके पास लोन, ठीक, ओके, है ना, बनाते भी जाना और बनवाते भी जाना, आपकी कॉपी में भी नज़र होना चाहिए और बोर्ड में भी, दोनों में नज़र होनी चाहिए, ठीक है? पहले स्टार्ट करें, yes, क्या आपने पार्टीशन कर रहे हो क्या आप लोग भी? मत करो, एक एक करो, एक एक करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, एक एक करते जाओ, देखते जाओ और करते जाओ। अच्छा अब बताओ यार बेटा, नंबर किसको दें? वन टू थ्री, मैंने आपको शायद उस दिन बताया भी था कि ये काम आपको मैक्सिमम 30 सेकंड में पूरे स्ट्रक्चर बन सकते हैं आपके सारे, मैक्सिमम कितना 30 सेकंड में सारे स्ट्रक्चर्स, है ना, बट हम थोड़ा आराम से बनाएंगे, कुछ चीज़ें देखनी है मैं एक्चुअली में, तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो क्या होगा जरा देखना। अच्छा पहले बताओ, पहले हम लोग बेटा क्या लिखते हैं? स्केलेटन, क्या लिखते हैं? स्केलेटन। अच्छा स्केलेटन का मतलब क्या क्या ये बताओ मुझे, पहले स्केलेटन क्या होता है पहले मुझे बताओ, वो जिसका आपने नंबरिंग नहीं किया है उन सबको जरूर लिखना है, या फिर आप ये कह सकते हो जो अनटच्ड हैं, क्या है? अनटच्ड है, उनको पहले लिख डालो, जो अनटच्ड है उनको पहले, तो अनटच्ड कौन कौन थे? ये था, मतलब जहाँ पे नंबरिंग नहीं किया उनको पहले लिख डालो, आप जरा बताओ क्या तरीका था, बोलो जरा जरा सा, बताओ बेटा ये प्लस कहाँ जाएगा?
यहाँ पे जाएगा और उसके बाद फिर जहाँ पर ये देखो 2-3 से 2-1 आ रही समझ में बात की नहीं, सबको क्लियर एकदम। अब बस रिजल्ट ये देखते जाना है कि प्लस चार्ज यहाँ पे आया, बाद में बात करेंगे। नाउ क्या रेजोनेंस और आगे जा सकता है बताओ, क्या बताओ फिर से इसको हम बोले क्या, 1-2 बोलो, 3 जल्दी से बताओ। तो स्केलेटन बताओ बेटा क्या बनेगा, स्केलेटन बताओ बेटा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड CH2 और ये टच नहीं हो रहा, देखो जो अनटच्ड है उनको लिखना है। अब बताओ ये 1 से कहाँ जाएगा, 3 में जाएगा, और बताओ ये 2-3 से 2-1 में। बेटा समझ में आ रही ना बात सही से, ओके नाउ दिस 1 ओके गुड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या हो सकता है जरा बताना मुझे फिर से, पहले आप क्या बनाओगे इसका, इसको नंबरिंग करो, नंबरिंग क्या है इसका बताओ, 1-2-3 चलो बोलो जल्दी से क्या होगा, पहले स्केलेटन बताओ क्या आएगा, स्केलेटन में क्या आएगा बोलो, CH2 भाई बोला करो बेटा, और ये अब बताइए 1 से कहाँ जाएगा, 3 यहाँ पहुँच गया, और ये 2-3 से 2-1 बस यहीं तक, आगे भी आप बना सकते हो वापस वहीं पहुँच जाओगे, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो जाएगा। ठीक है मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, पहला स्ट्रक्चर ये था। ठीक है क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये पारा पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन है। ठीक है जब आप इसको लिखना ना तो थोड़ा नीचे जगह छोड़ना तब अगला लिखना, क्योंकि कुछ कुछ काफ़ी चीज़ें मैं लिखाने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ, रिजल्ट सारे एक साथ लिखूंगा मैं। चलो आगे की बात करते हैं, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या ये वही केस बन गया, जरा देखो ध्यान दो, क्या ये प्रीवियस केस की तरह हो गया। अच्छा मैंने इसको इधर क्यों तोड़ा, व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो डबल बॉन्ड से कौन सा बॉन्ड हो गया है, वो सिंगल बॉन्ड हो गया है, और जहां पर जो नाइट्रोजन था वहां पे कौन सा चार्ज आ गया है, प्लस चार्ज आ गया है, तो क्या अगेन ये प्लस सिंगल डबल हो गया, यस yes, तो चलो बताओ नंबरिंग क्या होगा इसका, 1-2-3 चलो बताओ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका क्या होगा बताओ, ये भी बनाओ, पहले फर्स्ट में स्केलेटन बोलो ये और ये, अब बताना मेरे जरा ध्यान से, ये है नाइट्रोजन, ये ओ माइन, अब बताओ ये प्लस कहाँ आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, और ये 2-3 से 2-1, और ये जो जैसा था ये वैसे ही रह गया। ये बात कितनों को समझ में आई, हाथ उठाओ, यही पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टार्टिंग वाला पॉइंट, बाकी आगे तो सिमिलर है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, बताओ क्या करें, आगे जल्दी बोलो इसका नेक्स्ट स्केलेटन क्या बनाएगा, नंबरिंग करो बेटा, नंबरिंग करो बेटा, पकड़ो जरा इसको, नंबरिंग करो, 1-2-3 बोलो जल्दी से क्या बनेगा इसका, फर्स्ट में एक स्केलेटन बताओ किसको लिखा है पहले, ये डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे ओ माइनस और यहाँ पर ये, बोलो अब बताओ ये प्लस कहाँ पे आ जाएगा, और ये 2-3 से 2-1, क्या कुछ और हो सकता है, 1-2-3 बोलो जल्दी से क्या बनेगा बताओ इसका, बताओ स्केलेटन बनाओ सबसे पहले, डबल बॉन्ड एन ओ माइनस ये, और बताओ अनटच्ड ये वाला है, अब ये प्लस यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहीं पर रोकूँ, कौन सा पोजीशन ऑर्थो, कौन सा पोजीशन पारा, कौन सा पोजीशन ऑर्थो, क्या 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 कुछ बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो तो बोलो मुझे बताया करो तुरंत। चलो नेक्स्ट में बताओ क्या इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, यहाँ माइनस यहाँ पे क्या आ गया प्लस, अच्छा इसके 3 बॉन्ड थे एक टूटा है 2 रह गए, 3 बॉन्ड थे एक टूटा है 2 रह गए, क्या अगेन प्लस सिंगल डबल, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, जैसे कि मैं समझा रहा हूँ अगर आप अपने आप बनाते तो अब तक सब बना चुके होते ना, तो बेटर कि अपने आप बना डालो ना, मुझे करने दो। तो नाउ दिस बिकम्स, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, देखो इधर तो पहले स्केलेटन में क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, और ये बॉन्ड टूट गया भाई, तो डबल बॉन्ड रह गया और यहाँ पे माइनस रह गया, बताओ ये प्लस कहाँ आ जाएगा, थर्ड पे, और बाकी 2-3 से 2-1, तो ये प्लस चार्ज आया, अगेन 1-2-3 बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बताओ बेटा बोलो भाई, ये सी डबल बॉन्ड एन और यहाँ पे माइनस, बोलो अब ये यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगा, ये 3 पे और यहाँ पर ये आ गया, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, फिर से 1-2-3 डबल बॉन्ड एन माइनस, जो स्केलेटन है उसको लिख दो, ये वहां चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, नाउ अगेन क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है, अच्छा क्या सिमिलरिटी बेटा आपको तब से अब तक दिख रही तीनों में,
जो जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है दैट इज ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। मेटा पे कुछ हो रहा है, ये मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन पहले ही लिखा दिया था आपको, कोई चीज़ नहीं। अभी यहाँ पे मैं आपको क्लियरली दिखा दे रहा हूँ एक्चुअली में, नाउ दिस इज ऑर्थो पोजिशन, नाउ दिस इज पैरा पोजिशन और नाउ दिस इज ऑल अगेन ऑर्थो पोजिशन। चलो अभी वाले तो फटाफट, अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं सीधे लिख दूँ आपसे डायरेक्ट, इसको मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब। ओके चलो फटाफट लिख दे रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा बताए, थोड़ा सा इस पे बताना, एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा रुकना। ये लोन पेयर सिंगल डबल है, जरा बताना, याद करा थोड़ा स्पेशल केस। तो अगर लोन पेयर सिंगल डबल आता है तो लोन पेयर पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस, और उसके बाद आउट पोजीशन पर माइनस आता है। ओके तो पहला स्टेप जरा बताना मुझे, ये वन है, ये टू है और ये थ्री है, पहला सिर्फ पहला स्टेप, बाकी मैं डायरेक्ट जल्दी बनाता हूँ। बताओ पहले स्केलेटन जो अनटच्ड है उनको लिख लिया, अब बताओ जरा जल्दी बोलो ये टू थ्री से कहाँ चला जाएगा बेटा, टू वन, और जहाँ पर लोन पेयर है वहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, और व्हाट पोजीशन पे माइनस। एक एम इसके समझ गया नाउ अगेन, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। All five cases are completed. जल्दी करो बेटा, आज मेजो मेरी निपटा देंगे, मेजो मेरी फटाफट। सोनी बेटा क्लियर है, सारा समझ में आ गया सबको, इधर कोई डाउट किसी को, क्लियर? आज कोई एब्सेंट है कि सभी लोग हैं? वरुण और बस वरुण, और कौन, लगभग कितने लोग, लगभग कितना हुँ? हाँ मतलब कितने लोग लगभग एब्सेंट होंगे, तीन जुनेड, ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन हमेशा आते हैं, तो तीन चार तो ऐसे ही हटा रहे हो गया, मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ चीज़ें, जरा देखो फटाफट, आपको तेजी से लिखना होगा। बेटा एक चीज बताओ, जहाँ पे प्लस था डबल था और ट्रिपल था, सुनो, प्लस था डबल था और यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा हुआ है डबल बॉन्ड से, ये जो रिंग है रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन है उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनते जाना ध्यान से, अभी कुछ नोट नहीं करना, कुछ नहीं नोट कर, मैं एक चीज़ें बता के उसके बाद फिर बताऊँगा क्या होने वाला है। रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम है उस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम उस पर, प्लस। रिंग से जो डायरेक्टली अटैच एटम उस पर, प्लस। सिमिलरिटी आया स्ट्रक्चर से, और ये कब हो रहा है, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच पर प्लस हो, या फिर रिंग से डायरेक्टली अटैच पर डबल हो, या फिर रिंग से डायरेक्टली अटैच पर क्या हो, ट्रिपल हो, यानी केस क्या बना, प्लस डबल ट्रिपल। देखो जरा, पहले वाले में प्लस चार्ज है, दूसरे वाले में डबल है,
और तीसरे वाले में ट्रिपल, मतलब ये, लेकिन ये डबल ट्रिपल और प्लस किस पे होना चाहिए? उस एटम पर होना चाहिए जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, समझे? ये मैं बोलूंगा, अभी लिखाऊंगा, क्योंकि यही तो मेजर, यही से सारा कुछ एकदम देखते ही कंपाउंड के अंदर आप बताओगे कि प्लस एम होगा या माइनस एम, देखते ही एक सेकंड के अंदर। बात क्लियर है? चलो, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आ रही? साफ साफ है भाई, यहां माइनस है और लोन पेयर का मतलब भी, मतलब आप देखो ना, यहाँ माइनस है तो रिंग में अंदर कितना आ रहा है? माइनस ही आ रहा है। और अगर यहाँ पे लोन पेयर, तो लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंदर यहाँ पे देखो रिंग में क्या आ रहा है? माइनस ही आ रहा है। आ जा रहा, देखो ध्यान से, अगर यहाँ प्लस है तो रिंग में हर जगह क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी क्या आ रहा है? जरा देख लो आप खुद, अर्थोपारा पे प्लस आ रहा है, यहाँ प्लस है तो अर्थोपारा में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। माइनस है तो आप बताओ, अगर की एटम, ऐसा एटम जो रिंग से, सुनना जरा ध्यान से, ऐसा एटम जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, अगर उस पर प्लस है तो अर्थोपारा में प्लस आएगा। ये तो याद रख पाओगे, मुझे नहीं लगता कभी भूलने वाले हो। ऐसा एटम जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उस पर माइनस या लोन पेयर है, तो अर्थोपारा पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्लियर? अच्छा, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है ऑर्थो एंड पारा में, इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दूं मैं सभी का एक एक, फोकस थोड़ा नीचे कर, HRS देखो जरा इसका, बनाते जाओ साथ में, साथ में बनो, जिसको पीछे नहीं दिख रहा थोड़ा सा खड़े हो जाना बेटा। आएगा रेजोनेंस में तो गया ही है। हाँ, डेल्टा नेगेटिव है, वही कर लो। क्या कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन लेकिन रेजोनेंस तो नहीं हुआ बेटा, लेकिन यहाँ पर क्या कि सिंगल था, फिर क्या हुआ? डबल था, डबल से फिर क्या हो गया? सिंगल। एक्चुअली मैं चीज़ तरह बताया मैं आपको, ये बॉन्ड तो जस्ट ब्रेक हुआ उस टाइम पे, फिर बाद में क्या बना हुआ है? माइनस ही बना हुआ है। तो बेटर है कि आप इसको ना उसको ऐसे रहें, यहीं से हम आगे बढ़ते हैं, ये मान के चलो, ठीक है? और इसमें भी वैसे ही रखिए।
चलो देखो बेटा, सबने बना लिया होगा एचआरएस, बना लिया सभी ने क्या बेटा? हाँ हाँ, थोड़ा भावनाओं को समझा करो, थोड़ा भावनाओं को समझा करो। अब बात करें, चलो अब जरा देखो, अब आपको क्लियर, देखो मैं आपको जो कुछ बोल रहा था वो अब आप बोलना अब ज़्यादा सही होगा। कौन सा चार्ज यहाँ पे है जल्दी बोलो? रिंग में ऑर्थोन पैरम प्लस। कौन सा चार्ज यहाँ पर? ऑर्थोन पैरा में प्लस। कौन सा चार्ज यहाँ पर? ऑर्थोन पैरा में प्लस। कौन सा चार्ज यहाँ पर? ऑर्थोन पैरा में माइनस। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे करो, प्लस में लिख के सीधे क्या लिखो? लोन पेयर। क्या बताओ? लोन पेयर। तो अगर ये लोन पेयर है तो लोन पेयर का मतलब कौन सा? क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब माइनस। हालांकि प्लस डेल्टा आएगा, बट किसकी वजह से आया? वो लोन पेयर की वजह से आया। तो एक्चुअली उसके पास क्या था? लोन पेयर ही था बेसिकली। बात क्लियर यहाँ तक? तो क्या हम क्लियरली ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक काम करो, एक पॉइंट करके लिखो, नोट वन फटाफट तेजी से, नोट वन, नोट वन लिखो तेजी से, नोट वन। इफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट दैट टर्म, पॉजिटिव चार्ज और स्लैश करके करो, पॉजिटिव चार्ज और स्लैश करके क्या लिखो? डबल और ट्रिपल, ऐसे प्लस डबल ट्रिपल, प्लस डबल ट्रिपल। अरे नहीं समझे, तीनों केस में सिमिलरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप ऐसे लिखो ना, प्लस डबल एंड, तीनों में ऑर्थोन पैरा में क्या आ रहा है? प्लस ही तो आ रहा है, ऐसे लिखो, इज प्लस डबल और ट्रिपल इज प्रेजेंट एट दैट एटम, इज प्रेजेंट एट दैट एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। इस बात पे ध्यान रखना, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग। रिजल्ट आपके सामने मैंने क्यों बनाया था, बात समझ रहे हो ना? अब देखो जरा, देखो क्या ऐसा हो रहा है, प्लस रिंग से डायरेक्टली अटैच, जहां पे जिस एटम पर प्लस है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, जिस एटम पर डबल बॉन्ड है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, जिस एटम पर ट्रिपल बॉन्ड है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है ना। देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पॉजिटिव चार्ज, देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, ओनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। थोड़ा स्पीड मेंटेन करो बेटा जल्दी से। तो ऐसे नहीं है, रिजल्ट आपके सामने है ना, आप खुद देखो अब इस चीज को कहां पर डेवलप हुआ, बताओ बताओ। आप जरा मुझे बताना, इन सबके हाइब्रिड में ऑर्थो एंड पारा पे कौन सा चार्ज आ रहा है? प्लस आ रहा है। जहां पे प्लस आता है वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है? कम होता है। इसका मतलब यहां पे ऑर्थो एंड पारा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया है? देखो सेकंड पॉइंट, एट ऑर्थो एंड पारा, एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन, एक काम करो बेटा, जो नोट आप फर्स्ट लिख रहे हो ना उसमें केस वन कर दो, केस वन नोट और उसमें केस वन, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखो केस वन। देख लिया क्या मैंने बोला? एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू रेजोनेंस। तो अब जरा बताओ मेटा के बारे में क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट मेटा पोजिशन, इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यहां पे घट गया, यहां पे घट गया, यहां पे घट गया, यहां घट गया, यहां घट गया, बट मेटा में तो कुछ हुआ नहीं। तो मेटा में क्या हुआ? वही है, यस। बहुत सारे बुक में क्या है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर प्लस आ गया ऑर्थो पारा पे तो बोले, पता है क्या सेंटेंस रहता है? मैं बता रहा हूं आपको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन एंड इंक्रीजेज एट मेटा पोजिशन, इंक्रीज नहीं बोलेंगे। बट अच्छा बताओ ऑर्थो एंड पारा में तो कम हुआ ना, लाइक एक कैसे मान के चलो, यहां भी 10 था, 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 सुनो जरा ध्यान से, अब यहां हो गया 8, यहां हो गया 8, यहां हो गया 8, तो यहां कितना कितना है? ये ऐसा हुआ है, तो वो जैसा था वैसे। क्या हम ये कह सकते कि रिलेटिवली, लिखो नेक्स्ट पॉइंट, उसी में कॉमा करके रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर एट, इंक्रीजेज नहीं, क्या बोलेंगे? मोर एट मेटा पोजिशन, इज मोर एट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली एट मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है?
जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव, ऐसे मान के चलो पॉजिटिव न्यूट्रल भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाना चाहेगा? नहीं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ज़्यादा हैं? ऑर्थो एंड पारा भैया, मेटा में, मेटा में, क्योंकि मेटा में तो बढ़ा नहीं है बट यहाँ तो कम हो गया ना बेटा। इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आने का मतलब बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाना? कम हो जाना। तो मेटा में तो ऐसा कुछ नहीं था, इसका मतलब रिलेटिवली मेटा में क्या है? ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? सो लिखो इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन। नेक्स्ट पॉइंट, आ रही सारी बात समझ में? तो ये पूरा रिजल्ट आपके सामने, रखने वाली चीज़ नहीं, आप इसको ध्यान रखोगे तो आप सारी चीज़ें खुद ही बोल सकते हो। इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट मेटा पोजिशन, दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, दैट्स वाई दीज टू टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब इसको मैं समराइज कर दूंगा तुरंत फटाफट इसके बाद, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? सिमिलरली क्या हम यही सारे पॉइंट कहाँ पे बात कर सकते हैं? अब केस टू जल्दी हो, नोट वन नोट लिखे थे ना आप, केस वन, अब केस टू लिखो जल्दी से, तेजी से। इफ केस टू, हियरिंग लो, केस टू, इफ निगेटिव चार्ज और लोन पेयर, इफ निगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन दैट एटम, इस बात में मैं फोकस कर रहा हूँ उसको अंडरलाइन करना, प्रेजेंट ऑन दैट एटम विच इज, बोलो, डायरेक्टली अटैच्ड विथ रिंग, देन बताओ ऑर्थो एंड पैरा में कौन सा चार्ज बेटा डेवलप होगा? देन निगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, देन निगेटिव चार्ज विल बी डेवलप्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये है बेसिकली रेजोनेंस, समझ में आ रहा है सही से आपकी? नहीं, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, क्लियर? अच्छा फिर से बताओ मुझे, निगेटिव चार्ज बेटा कहाँ पे आया है? ऑर्थो एंड पैरा में, बताना जरा सर, ठीक? तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे आ गया बेटा, ध्यान देना, गुफो ध्यान दो, लिखने पे नहीं, यहाँ पे माइनस चार्ज ऑर्थो एंड पैरा में आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है? ऑर्थो एंड पैरा में। मान लो फिर से बोलेंगे यहाँ दस था, अब माइनस आया ना यहाँ पे, तो यहाँ बारह हो गया और यहाँ कितना हो गया? दस। रिलेटिवली मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। सो नेक्स्ट लिखो, रिलेटिवली, नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिवली इंक्रीजेज मत बोल देना कभी भी, या डिक्रीजेज मत बोल देना, ना तो इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है, इस द बेसिक कॉन्सेप्ट। रिलेटिवली एट मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, रिलेटिवली एट मेटा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता है? नहीं, कहाँ पे जाता है मुझे ये जवाब दो पहले, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी लिखा है ना। सो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो, भाई प्लस वाला कहाँ पे जाएगा? माइनस के पास ना। सो लिखो इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट ऑर्थो एंड पारा पोजिशन। बोलो बेटा, बोलो, क्लियर? दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। छोड़ो अभी उसकी बात नहीं करेंगे। दैट्स वाई दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड व्हाट? ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। क्लियर है बेटा बात? बोलो, ओके। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा और उसके बाद फिर डायरेक्ट प्लस टाइम मत देखना, अभी थोड़ा सा 5-7 मिनट टाइम आपको कवर लूँगा, क्योंकि मैं लास्ट में पहुंच चुका हूं। अब मुझे सब जरा सा बताना है, उसके बाद आप दुनिया के जितने भी कंपाउंड हैं सब में बता सकते हो कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है, जो मैं मेहनत कर रहा था बेसिकली वही चीज़ समझाने के लिए, है ना। तो वही छोड़ के अभी चला जाऊं तो फिर धोखा देने वाली बात होगी ना, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता। बात क्लियर है? ओके, नाउ अब मुझे एक चीज़ बताओ मुझे बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, सुनना क्या रहा है? प्लस चार्ज। अच्छा, प्लस चार्ज कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉन खींचा गया होगा या डाला गया होगा? ध्यान जवाब देना। अच्छा, क्या मैं हटा दूं सबको? पक्का हटा दूं?
नहीं हटाऊंगा, अभी समझाना है। मतलब क्या मतलब समझाना है, तभी करो हटा दो। चलो यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, तो ये प्लस चार्ज बेटा कब आया होगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचा गया होगा या डाला गया होगा रिंग में, रिंग क्या किया गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब खींचा जाता है तो ऊपर जो ग्रुप लगा होता है उस ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। भाई यहाँ प्लस कब आ रहा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ट्रिक में कुछ नहीं है, सीधे डायरेक्ट है सब। तो अगर एक यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मुझे पता आप पूछने लगते कि ऐसा क्यों, इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आप बताओ खींचा गया तो ऊपर कौन सा ग्रुप लगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन चूंकि वो खींच रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। इसका मतलब, और रेजोनेंस की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा होगा वो ग्रुप होगा माइनस आर या फिर माइनस एम ग्रुप होगा, एंड दैट विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कुछ मत सोचो, इतना बात समझ में आया, क्या तरीका समझाया मैंने आपको भाई। प्लस बेटा यहाँ पे आ रहा है गुफू, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस बेटा कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, तो अगर निकला है बाहर तो ऊपर वाला कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, माइनस। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस है, अरे तो भाई ये तो रेजोनेंस हुआ है ना, अभी यहाँ पे प्लस कब आया है, जब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, वो तो रेजोनेंस की वजह से जो भी हो रहा है, बट एक कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है इसका मतलब इसकी डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब रिंग से बाहर गया। चलो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे माइनस आ रहा है, जल्दी बताना जवाब। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर माइनस आ रहा है तो क्या किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन घुसाया गया होगा रिंग के अंदर, लो जाओ मरो, बस समझ रहे हो कि नहीं, पकड़ा और उठाया और रिंग में क्या कर दिया, घुसा दिया। तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन बाहर, जो ग्रुप बाहर लगा था वो क्या किया, उसने डोनेट किया कि विड्रॉ किया, डोनेट, सो दैट्स ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर कौन सा चार्ज, सो दैट इज प्लस एम और प्लस आर गो, दैट इज प्लस एम और प्लस आर गो, क्लियर है। तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे अब एक लाइन में एक बस सीधे सीधे आपको लिख दूंगा और पहचानना सीख जाओ भाई। हाँ, लेकिन मैंने बार बार आपसे अभी तक क्या बोला है कि आपको उस एटम को देखना है, जरा बताना, आपको उस एटम को देखना है जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, उसी पर प्लस होना चाहिए, उसी पर डबल होना चाहिए, उसी पर ट्रिपल होना चाहिए, उसी पर माइनस होना चाहिए और उसी पर लोन पेयर। पांच ही केस बताए बेटा मैंने आपको, उससे कितने, और इन पांच से सबका बता डाले। नो फाइनल समरी, केस वन, अब मैं कोई स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नहीं बना रहे पा रहा हूँ, सब बता दिया हूँ आपको। केस वन में क्या होगा, कि रिंग होगा, रिंग पर ये जी होगा, उसको हम बोलते हैं कौन सा एटम, की एटम, कौन सा बोलते हैं, इसकी एटम पर प्लस हो सकता है, डबल हो सकता है या फिर ट्रिपल, है ना। एग्जाम्पल बस देखते जाओ, एक जैसे कि हमने क्या किया, यहाँ पर कोई ए एटम लगा उस पर प्लस चार्ज है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर Y है, डबल बॉन्ड Z है, इधर कुछ X है, एंड दिस Z शुड बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, था ना NO2 में, N और O में, O क्या था, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। थर्ड केस हमने कहा कि ये Y है और ये ट्रिपल बॉन्ड Z है, एंड दैट Z शुड बी, भाई तभी तो इसमें माइनस आएगा, इसमें प्लस आएगा, हमको के एटम पे प्लस लाना है, अल्टीमेटली हमारा एम क्या है, प्लस है, तो ये समझ रहे हो। बट ये फिर से मैं पूछूंगा, ये कहाँ पे होना चाहिए बेटा, उस एटम पे होना चाहिए जो रिंग से, तो बस खत्म बात। तो बताओ यहाँ पे ये कौन सा इफेक्ट देंगे, प्लस एम या माइनस एम, मैं बताऊँ आपको कैसे, उल्टा याद रखो, प्लस है ना यहाँ पे, तो प्लस वाले माइनस एम और माइनस प्लस। अब बताओ ना, मैंने कहा था ना कि हम एक लाइन एक सेकंड का काम करेंगे आप, बट चीज़ें पता होने से ना कि और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो आपको सारा चीज़ पता हो गया। तो अगर यहाँ पे प्लस है, अच्छा डबल का मतलब भी आप समझ जाओगे ना, कि टूटा ऐसा तो प्लस आया, टूटा ऐसा तो प्लस आया, तो ये याद रखोगे, क्योंकि मैंने आपको समझाया अभी। तो अगर प्लस है यहाँ पे तो कौन सा बताओ, माइनस एम या फिर माइनस आर, कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप था, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो कौन से ग्रुप होंगे, ऑर्थो एंड सॉरी मेटा डायरेक्टिंग, क्या होंगे बताओ, मेटा डायरेक्टिंग। बात क्लियर है, बोलो, एनी डाउट, एनी डाउट बोलो बेटा, गुड। आप जरा देखो दूसरा, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स इधर करा देता हूँ और बाकी नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। अब मैंने कहा कि भाई फिर से केस टू, केस टू, अब यहाँ पे फिर से जी लगा है, जी को हम की एटम बोलते हैं, इस जी पर बेटा क्या हो सकता है, लोन पेयर या फिर क्या बताओ, माइनस, कहाँ पे, कहाँ पे, कहाँ पे, उस एटम पर जो रिंग से, 1001 बार बोल चुका हूँ, कितनी बार बोल चुका हूँ, 1001 बार बोल चुका हूँ,
बोलोगे तो नहीं, किस एटम पर? उस एटम पर जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है। ओके, नाउ एग्जांपल, हमने कहा कि भाई ये है Cl, बताओ इसके पास क्या है? लोन पेयर, है ना? ये OH लो, बताओ क्या है इस पर, है ना? चलो ये बताओ मुझे, CH2- बोलो, पहले बोलो, चलो ये बताओ O-, है ना वही सर? इसको कैसे याद रखोगे भाई? अच्छा, लोन पेयर का मतलब भी बेटा इलेक्ट्रॉन होता है ना, माइनस, और माइनस तो माइनस होता ही है, तो माइनस है तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। सो प्लस एम और प्लस आर, अब कौन सा डायरेक्टिंग? किया जाए एग्जांपल, देखते जाओ जरा सर फटाफट, क्या आप देखते आंसर बता पाओगे? याद रखो, बताओ। नहीं, कुछ नोट नहीं करना, अभी कुछ नोट नहीं करना, मैं कंक्लूड करूँगा उसके बाद नोट करना, क्योंकि मुझे एक PDF भेजना था ना, तो उसमें ये PDF में सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंप्लीट करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर आप वो कर नहीं पाओगे। बात क्लियर है यहाँ तक? बेटा आपको क्या देखना है जल्दी बताओ, रिंग को क्या ले, एटम को देखना है, और देखना कि प्लस है, डबल है या ट्रिपल है, तुरंत बोल दोगे माइनस एम? रिंग से जो डायरेक्टली एटम अटैच है उस पर अगर लोन पेयर है माइनस, तुरंत बोल दोगे क्या? कुछ एडजस्टिव ग्रुप भी होते हैं जो प्लस एम भी शो करते हैं और माइनस एम, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ मुझे, मैंने कंपाउंड बनाया, तेजी फटाफट काम करना है, देख किसी का भी आंसर गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एन डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड, उधर कोई नहीं देखा, कौन सा इफेक्ट, कौन सा बताओ, कैसे? प्लस डबल ट्रिपल, प्लस डबल ट्रिपल माइनस एम, प्लस डबल ट्रिपल माइनस एम, लोन पेयर माइनस प्लस एम, ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है भाई, तो कौन सा डबल है, कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। मैं लिखूं, आप सीधे बताओ बेटा, सब हाथ उठाओ, कितने लोग कर पाओगे? तुरंत आंसर फटाक से, मतलब पिको सेकंड में आंसर चाहिए मुझे, कितने सेकंड में? पिको सेकंड में आंसर चाहिए। तो जल्दी बोलो, प्लस एम या माइनस एम? वाई माइनस एम, इससे डबल बॉन्ड और मोर इलेक्ट्रो निगेटिव लगा है, कौन सा एम? माइनस एम। चलो जल्दी बताना, OH लगा हुआ, जल्दी बताओ कौन सा? प्लस एम, वेरी गुड। सी एन, जल्दी बोलो, माइनस एम। अब लगेगा कोई भी टाइम, अरे पहचानो, कोई भी ग्रुप लो, पकड़ लो, खत्म कहानी, ठीक है? चलो जल्दी बताना मुझे, क्लोरीन लगा है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, प्लस एम, वेरी गुड। चलो अल्डिहाइड लगा दिया, बेंजल डिहाइड बना दिया भाई मैंने, जल्दी बताओ इसको पकड़ो, बोलो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कीटोन, कीटोन ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड है, कौन सा? माइनस एम, गजब भाई। इथर लगा दिया मैंने यहाँ पर, चलो बताओ एनिसोल, इसके पास क्या है, कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। अच्छा एक बताना जरा सा मुझे, जरा ध्यान से, जगह नहीं, नहीं तो आगे भी लिखता मैं, है ना, जगह नहीं, नहीं मैं तो आगे भी लिखता। तो बेटा एक चीज बताओ, अच्छा आपको उस लंबे वाले कंपाउंड से मतलब है? आपको उससे मतलब है जिसको मैंने 1001 बार बोला है, ज्यादा हो चुके हैं, 10-12 और बढ़ गए तब से तक। सो बताओ किसको देखा जाए? इसको देखा जाए, और इसको जब हमने देखा तो हमें क्या मिला? लोन पेयर। क्या मिला? लोन पेयर मिला भाई, इसके पास डबल बॉन्ड, ये तो नहीं देख रहे हो, इसको क्यों नहीं देखेंगे? और इसको थोड़ी, इसको देखना पाप है, आप सिर्फ किसको देखोगे जो रिंग से? इसके पास लोन पेयर, बताओ कौन सा इफेक्ट? प्लस एम, बताओ, सच बताओ, इस टाइप के कंपाउंड को आप तुरंत पहचान लोगे, नहीं पहचान लोगे कि कौन सा प्लस एम देगा और कौन सा माइनस एम? सिर्फ चार ग्रुप हैं जो एजेंसी ग्रुप होते हैं जो प्लस एम भी देते हैं और माइनस एम, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। नो, सो आज यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू।